सतगुरु की इलाही गुरबाणी का जाप गुरु इतिहास की विचार और पवित्र गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। बाबा फरीद साहब जी उन्हां दे पवित्र शलोक दा पाठ जो विचार अधीन है आप जी ने श्रवण किया। आओ विचार सतगुरु आप अपनी बख्शिश करके करा ले, आप संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, फिर बख्शिश करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। बाबा फरीद साहब जी ने कल दे शलोक विच मौत दी गल कर दिया, मनुख दी जिंदगी नूं एक दरिया दे कंडे नाल तुलना दित्ती ते ओ दरिया दा कंडा जिसनूं ढाह लग चुकी है थल्यों खोरा लग चुका है, फिर नाल ए भी बख्शिश कीती ओने के दोजक दी अग तपदी कोई असी सुनने हां, सुनिया उथे रौला शोर शराबा ते कुरलाट पिया है। कह लगे जिन्हां नूं इस गल दी समझ पै गई भी कल नूं मौत आउणी है, ओह इस सोझी नूं लै के बंदगी सिमरन भगती आत्मक जीवन दी उसारी वल चल पै। ते कुछ ऐसे सन कि जिन्हां सुनिया ते जरूर पर बेपरवाह होके जिंदगी जींदे रहे ते ए शब्द कहिंदे रहे के जो कुछ खा सकने हैं पी सकने हैं खड़ा सकने हैं रज के मान लवो ए जग मिठा अगा किन्ने डीठा। अज हजूर ने उस शरोक दी लड़ी नूं जेड़े बेपरवाह होके तुरदे ने मौत कदी याद नहीं करदे ते अंदर कपट छल फरेब धोखा ठगी चोरी चकारी हर तरह के माड़े कर्म करते ने, उन्हां नूं बाबा फरीद साहब ने कहा कि जेड़े दुनिया दियां रंग रलियां कलोलां ते केलां विच तैनूं रब भुलिया पे है, याद रखी बेपरवाह होके तुरन वाले बंदे पता नहीं मौत ने किस दिन तैनूं झपट मार के चुक ले जाना है ते जो कुछ तू कदी सोचिया भी नहीं तेरी जिंदगी विच ओ भी वापर सकदा है। अज हजूर ने गल बबले दी कीती, पहला ता इस शलोक नूं विचारन तो एक अर्ज जरूर करनी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच हर एक शब्द जेड़ा है ओ अंदर दी अवस्था दी तर्जमानी करदा है। कई बारी जदो भोग पैंदा है गुरमुख प्यारा कोई बंदगी करन वाला सतगुरु दी भै भावनी वाला जदो पूछ करदा है ते अक्सर इस शलोक दा कीर्तन भी कीता जांदा है कि दरियावै कन्नै बगुला बैठा केल कहे। पर भाई गुरसिखो इथे जिहड़ा बगुला शब्द वरतिया है वह जपण वाले लई नहीं
कपटी बिरती छल वाली बिरती जिसने लिबास भेक तो जरूर चिट्टा बनाया पर अंदरों अत का काला है उहदे लई इह शब्द हजूर ने उचारण किया क्योंकि जदों असीं कीर्तन करने उन्हां शब्दों की चोण की जाए जिहड़े शब्द कीर्तन विच गाए जाण ते गुरु जी दे चरणां विच ओह शब्द कीर्तन साडे अंदर दी अरदास बन जाण। एक बार बाबा नंद सिंह जी होणा ने यह कहा जाता है कि किसी गुरु के कीर्तनिए ने यह शब्द पढ़ दिता कि मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। बाद विच उन्हें कहा भाई गुरमुखा सचमुच तू वड्डियां भागां वाला है तू अपनी जिद दे बदले प्रीत खरीद ली है जिद वटे तू ये प्रीत दित्ती खरीद ली परमात्मा तो तेरे नेत्रां विच तेरी जबान ते तेरे कन्नां विच तेरे किरदे विच तेरी रसना विच ओ परिपूर्ण परमात्मा दा नाम वस गया। कुछ नहीं बोलिया प्यार नाल कहो ने कि गुरु नानक साहब दे चरणां विच ओ शब्द भावना नाल शुरू करो कि जिदी साडे शब्द पढ़न नाल गुरु जी दे चरणां नूं प्रीत बण आवे अंदर दी भावना। जिवें हुण भाई साहब ने शब्द पढ़िया कि राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण ते अंदर प्रगट हो गया कि प्रभु तुसी कृपा करके मैनू रख लवो मैं अवगुणा नाल भरिया वा गुण सारे तेरे ने ते अवगुण की ने पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे पंजा वकारा ने अंदर नू खा लिया ते कृपा कर रखन वाले मालक मैनू निर्गुण नू तरस खा के तू रख लै बख्श लै। खैर जो अज ये अमृत बचन है पहली गल तो आप इतो शुरू करिए कि परमात्मा वो कुछ कर देता है ते करदे ने जो कुछ साडे चित ख्याल विच भी नहीं होंदा। कई बार किसी होर सोचने हैं ते परमात्मा जी अपनी खेल साडी सोच दे मुताबक कुछ होर कर देंदे। अक्सर इंसान अपने मन विच बहुत ख्याल सिरजदा है ते उहनां नूं साकार करन दा यतन करदा है ते परिपूर्ण परमात्मा जो कुछ असी ख्याल सिरजने हैं कई बार उसके बिल्कुल विपरीत खेल वरता देंदे। सोचिया कुछ हुंदा है ते बन कुछ जांदा है ते फिर केवल मौत नाल संबंधित नहीं साडे जिंदे जी भी वह कुछ वापर जांदा है कि जो कुछ असी अपनी जिंदगी विच अपने जीवन विच कदी सोचिया नहीं। हजूर दा अज दरबार साहब हुक्म सी गुरु नौवें पातशाह दा के खर की गत ने कोहू जाने उस परिपूर्ण परमात्मा वाहगुरु जी दी खेड नू उस दी गत नू कोई नहीं जान सकिया। कौन कौन जोगी जपी तपी पच खारे जोग साधना करन वाले जप करन वाले कई कई साल ला के जिंदगी विच तपस्या करन वाले जोगी जती तपी पच खारे अरबों लोक सियाने जेड़े सियाने विद्वान सन वह भी खप गए पर खरी की गत नू जान नहीं सके। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह वह की गत वह की अवस्था ते गुरु जी ने अगे वचन किया छिनमै राव रंक को करी राव रंक कर डारे रीते भरे भरे सखनावे ये ताको व्यवहार है। कहने भाई देख उसकी अवस्था उसकी खेड नूं कोई नहीं समझ सकिया जेड़े काल तक बादशाह ने वह खेल वरतांदा है ते वह भिखारी बन जांदे ने ते जेड़े काल तक भीख मंगण वाले ने वह मेल करदा है ते उहनां नूं बादशाहियां दे देंदा जिन्हां दे खजाने भरे पए ने कई वारी उहनां दे खजाने खाली कर उहनां नूं मुथाज कर देंदा है ते जेड़े एक टके नूं सहकदे पए ने जदों मेल करन ते आवे ते उहनां दे घर भर देंदे।
फिर इस बेनती कि जेडे आत्मक पक्ष तो गरीब ने कंगाल ने पता नहीं किस दिन उन्हां उत्ते उहदी रहमत हो जाए ते जेडे लोग दावा करन के मेरा जप मेरा तप मेरा सिमरन उस परमात्मा दी आश्चर्य खेडे कई बारी भरे कोई खाली हो जांदे ने ते खालियां नूं परमात्मा भर देंदा है ये अपने हाथ च नहीं रीते भरे भरे सिखनाल है ये ताको व्यवहारे ये परमात्मा दे आश्चर्य कौतक ने एक होर बचन गुरु जी दे अमोलक ही बचना विचों कबीर साहब जी दा असी ये बचन पढ़ने ते इस शब्द दी एक एक तोक साढ़े अंदर नू ए गल चंगी तरह समझा दिए कि जिंदगी विच किसी भी खेतर विच किसी भी पक्ष तो कदी इंसान दावा ना बने ते कदी ए खंगता च शब्द ना कहे कि मेरे कुल आ कुछ है कदी भी दावा नहीं उत्थे कबीर साहब दे बचना विचों है उन्होंने भी शब्द यही कहे पहला अर्ज कर रहा कि जिंदगी विच जींदे होए भी वह कुछ वापर जाता है जो कुछ असी सोचा नहीं उन्होंने बचन कह राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी हे परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी आप जी की मित नूं आप जी की खेड नूं कोई नहीं जान सकिया तेरे संतन की खो चेरी पर जेड़े तेरे भाने विच तेरी रजा विच तुहाडे हुक्म विच चलन वाले ने मैं तां उन्हां दे दर दी दासी हां फिर कबीर साहब ने कहा परमात्मा की कर दिंदे वचन की तो ने खस्तो जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हसे इंसान अपने घरों तुरे है परिवार दे जी पुत्र धियां मित्र दोस्त सारे बिल्कुल अरोग ने खुशी खुशी नाल घरों तुरे है पर कई बारी इहो जी खबर मिलदी है परिवार दे विचों पिछों कि जिहड़ा हसदा होया बच्चियां नूं प्यार करके जांदा है ओह ही बंदा जो वापस आउंदा ते ढाहां मार के रोंदा आउंदा देखो जो मन चेत न चेते सन सिर्फ इस तुक नूं पहला आधार बनाया जिउंदिआं वी ते मौत वी हसतो जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हसै ते जिहड़े रोंदे ने कुरलांदे ने कलपदे ने कई वारी वाहिगुरु इहो जिहियां दातां दे दिंदा है कि जिन्हां दे घर विच गरीबी दा कंगालता दा बीमारी दा रोना पिया हुंदा है मेरा परमात्मा इहो जी खबर दिंदा सारा परिवार ही खेड़े विच आ जांदा हजूर कहने बस तो होए होए सो उजर उजर होए सो बस जिहड़े बस दे ने उत्थे उजाड़े पा दिंदा है ते प्यारे जिहड़े कोग ग्राउं बस दे सन उजड़ गए ते जिथे थे सन उजाड़े सन उत्थे परमात्मा ने सोने नगर वसा दिते बस तो होए होए सो उजर उजर होए सो बस है जल ते थल कर थल ते कुआं कूब ते मेल करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश ग्रावे जिथे पानी पानी एक किणका मात्र रेत दा एक जर्रा मिट्टी दा भी नहीं जदों अपनी खेड वरतांदा है ते समुंदरां दे विच पहाड़ पैदा कर दिंदा है ते जिस मारुथल विच पानी दी बूंद भी नहीं ओ चाहे ते एक खन दे विच उत्थे समुंदर पैदा कर दे जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेल करावे ओ खूह पैदा कर दिंदा है ते खूह विचों पहाड़ पैदा करदा है उसकी आश्चर्य खेड है धरती ते रेंगण वाले नूं धरती ते तुरन वाले नूं आसमान तक बुलंदी दे दिंदा है ते जिहड़े आसमान तक पहुंचदे ने इक खिन च उहनां नूं धरती च रोल दिंदा इह परमात्मा दी खेड है किसे दा चित करदा है कि मैं जिंदगी विच कदी असफल होवां किसे दा चित करदा है मैं जिंदगी विच कदी घाटा खावां किसे दा मन करदा है कि मेरे घर दे विच कोई दुखांत वापरे इह परमात्मा दी आश्चर्य खेड कहे चढ़े आकाश गिरावे पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगधारी ओह प्रभु पिखारियां नूं बादशाही दे दिंदा है ते बादशाह नूं पिखारी बना दिंदा है जिहड़े विद्वान दावा करदे ने इक गलती करांदा ते मूर्खां भी चले जांदे ने ते मूर्खां नूं सोझी दे के पंडितां भी शामिल कर दिंदा ओहदी खेड है इही जिंदगी है कई वारी कई सज्जन परमार्थ कमांदियां अपनियां अखां नाल तके वाहिगुरु तो डरे बंदा
वो हर एक नूं प्रेर दे रहे कि चलिए गुरु नेड़े बाणी नेड़े सिमरन नेड़े सत संगत नेड़े पर इहो जिहे जिंदगी दे इस तरातर तो तिलके कि पता ही कोई ना लगा जिहड़े लोकां नूं बचांदे सन उह खुद डुब गए उहदी खेड़ है ताहीं तां गुरु जी ने एक बचन क्या बाणी च ये बड़े स्पष्ट ने बंदे देखे अखां नाल मारू ढकने च एक बचन हुंदा है कि कुरिए कुरिए बहिंदिया तल गारा मैं वेर और पगडंडी ते चलन वाले बंदे ध्यान नाल तुरी बेनतियां करके तुरी अरदासां करके तुरी देख पता नहीं कि कदों तेरा पैर तिलके ते अचनचेत उस चिकन दे छिट्टे तेरे बदन नूं तेरे कपड़िया नूं दागी कर दे पैर बोझ के संभल के धरी इत्थे बड़े देखे ने कि पैर तिलकियां ते सारे चिकड़ ही हो गए कुरिए कुरिए बहिंदिया तल गाला मेरे वेखे छिट्टर थीव दो जाम खिसंदो पैर जिन्हां दा पैर खिसकिया उन्हां नूं छिट्टे पै गए एक बड़ी सोहनी घटना है सिर्फ बेनती समझण लई एक गुरमुख विद्वान ने दर्ज कीती कहते एक बड़ा प्यारा सज्जन कोई धर्मशाला विचों जा रहा सी परमात्मा दी इबादत करके ते रस्ते विच आउंदी सी एक नदी ते बरसाती नदी किनारियां तक खह के वगदी पई है बहाव उहदा बड़ा तेज ते उस दे पुल उपर एक आदमी खलोता है ते इंज लगता है जिवें खुणे पानी विच छाल मार लगा है उस गुरमुख ने उस छाल मारन वाले बंदे दियां पिछों मौरां उहदे मोढे कंधे पकड़ लए उहने मूंह पवा के देखिया ते कहन लगा इत्थे क्यों कहिंदा मैं जिंदगी च गुनाह इतने कीते ने हुण सच जन पछतावा इन्ना जीण नूं दिल नहीं करदा मैं पानी च डुब के मरना चाहना उन्हें कहा जे डुब के मरने ते फिर पानी च ना डुब के मर गुरु की बाणी च डुब के मर जे मरने ही चाहे ते बाणी च डुब खां फिर शब्द मरो फिर जीवो सादगी तां फिर मरन ना हुई एको जी प्रेरणा दित्ती उस बंदे दे अंदर घर घर गई कह लगे तू समझ मैं मारी गया तू अपना आपा खत्म करना चाहता है दुनिया वालों तू समझ मैं दुनिया वालों मर गया तू शब्द विच बाणी विच नाम विच सिमरन विच इन्ना जोड़ बस पानी विच मरन दी गुंजाइश ही ना रहे सचमुच उहनूं गल समझ पै गई उहने एक कदम ही पटिया सही रस्ते वाले पासे तुर पिया बंदगी सिमरन नाम सेवा दिन रात तो जुड़ गया कई मखीने निकल गए ते जिस नदी ते ओ डुबन लगा सी अज उस नदी ते एक होर बंदा खलोता मन च आया भी मैनू भी कदी इत्थे किसे ने बचाया सी मैनू भी किसे नूं डुबदे होए ने मोढ़िया तो पकड़ के चुंझोड़िया ते शब्दां दे बाण मार के मेरी जिंदगी दा रस्ता की तब्दील कर दिता मना तू इस बंदे नूं बचा दौड़ के छाल मारते ने जदों पकड़िया हैरान हो गया जिन्हू जिसने इनू बचाया से खुद छाल मारन आ गया कहिंदा इह की बन गया कहिंदा सच जानी तू सही रस्ते कदम रख लिया तू मेरी वाली थां ते आ गया मेरा कदम बुरे रस्ते ते चल पिया मैं तेरी वाली थां ते आके खलो गया उस परिपूर्ण परमात्मा दी आश्चर्य खेड़ दा उहदी गत दा कोई पता नहीं हजूर कह रहे ने पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगदारी नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी उस परिपूर्ण परमात्मा दी आश्चर्य खेड है उहदा अंत नहीं देखो एक होर बचन बाणी विचों अर्ज करदे हां इह कल्ला मौत नाल नहीं मैं तां बेनती करनी चाहुंदा सां जिउंदे जी दी समझ पै इहदी कई वारी जिहड़ी अज साडी अवस्था है घरेलू पक्खों की साडा अंत भी इह रहेगा महाराणी जिंदा जिस दिन आई सी उहदे डोले नूं तोपां दी सलामी दित्ती गई पर याद रखो जिस दिन संसार तो तुरी सी ते अर्थी चुकण वास्ते भी दिहाड़ी वाले सदे गए सी खेड है उहदी मना डर उस तों हजूर दी बाणी विच ही बचन है
कि कई बार परमात्मा के घरों इन्ना कुछ मिलता है बंदा उसनू प्राप्त करके शुक्र करन दी थां उलांभे देंदा है ते जो कुछ उन्हें दिता उहदी कदर भी नहीं जानता। सतगुरु की बाणी विच बचन ने एक वक्त वह होंदा है कि जो खाण वाले पदार्थों की घर कोई कमी नहीं तो बंदा कहिंदा नहीं इन्हां चीजां विच मेरी कोई रुचि नहीं अनदेखिया करता है शुक्र भी नहीं करता बहुत कुछ दिता है मैनू पर देखो अज जदों भी गुरसिख अरदास करता है सिरवे खिण विचों मैं निकलिया वह कदी भी यह शब्द कहता कि अन्न पानी परिवार का एको गल कन्न पानी पदार्थ परमात्मा के दिते हुए तो सेवा विच है भी बहुत आनंद। भाई कान सिंह नाभा जी ने राणी फतेह कौर के नाँ थले एक बड़ी सोहनी घटना दी सिर्फ संखेप जी के राजा आला सिंह महाराजा आला सिंह उन्होंने घरों से सिंघां की सेवा करते सन। एक दिन कोई सिंह प्रशादा छकन आया तो दाला गर्म सी उस माई ने वरतांदिया होया पता नहीं अंदर की कहो जी बिरती सी दाला बर्तन विच पात्र भांडे विच पाया उन्हें कहा माई इन्ना गर्म दाला की करा इन कह लगी मेरे सिर च पा दे मारतन विच भी है उन्हें चुकया सचमुच सिर च पा दा जो ने वह सिंह भी अगो एक जहा उन्हें चुकया सिर च पा दिता उन्हें कहा इन्हों सिंह की सेवा करनी महाराज आला सिंह ने कहा इन्हों की सेवा कर दो देख दाल नाल मेरा सिर सार दिता कह लगे दे चरणा च मत्था टेक सेवा करनी है दाल नाल बचा हो गया ना गर्दी ते बदाली ने सिर तेल पाना सी। देखो ना बंदियां दी भावना उन्हां दी शरदा अकीदत परमात्मा जो दात देंदा है ये उहदा शुक्र जान के उस परमात्मा का शुकराना करना पर सतगुरु कहिंदे ने उह लोक वेखे ने जिन्हां दे घर विच खीरा खंड घिओ पदार्थां दी कमी नहीं वह बंदे टुकड़े टुकड़े की खातर लोगों के बूहे उत्ते रोते देखे हर की गत न को जाने जो मन चेत ना चेते सन महर्ज की भावे संबंधित मौत ना ले पर मन चाहिए सी अज जिंदगी का एक पक्ष भी रखिए कि जिंदिया भी वह कुछ वापर जाता है जो कुछ चित ख्याल है। हजूर ने फुरमाया कबू खीर खांड घ्यो ना भावे कभी खंड खीर ते घ्यो चंगा नहीं लगता कबू घर घर टूक मंगावे तो उ इंसान कई बार घर घर के रोटियां मंगने वास्ते मजबूर हो जाता है फिर रोटी जो पल्ले नहीं पैंदी फिर की करदा है। हजूर ने कहा इतों तक भी लोगों ने वक्त देखे ने कि जो कोई मंगदिया खैर नहीं पाता तो लोग कूड़िया के ढेर उपर बैठ के अपने हथां दे नाल उस कूड़े के ढेर विचों दाने चुन चुन के खाते कबू खीर खांड घ्यो ना भावे कबू घर घर टूक मंगावे कबू पूरन चने बिनावे जो राम राख है त्यों रही है रे भाई हर की महिमा किच कथन ना जाई ओदी असरज वडियाई नू कोई कथ नहीं सकता। अगला उन्हां बचन कीता बाणी च उसकी असरज खेड़ है सतगुरु जी ने फरमाया कि कदी वक्त हुंदा है कि इंसान कीमती अरबी घोड़िया की सवारी करता है कीमती रथां की सवारी करता है कीमती पालकियां विच बैठ के सफर करता सी ते अज असीं कह लईए कि सब तो कीमती गड्डी भी सफर करता है कि वह भी दिन देख के जिदन हाथी घोड़े पालकियां ते रथ सन ते वह भी बंदे ते दिन देख के जिदन पैरां विच पाउण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं होंदी। हजूर ने फरमाया कि कबू तुरे तुरंग नचावै कबू पाए पनियों ना पावे कदी वह घोड़े नचांदा है ते कई बारी उन्हूं पैरां विच पाउण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं होंदी परमात्मा जिउंदिआं खेड़ वरता गया। अगला वचन कदी वक्त आउंदा है ते रोज बिस्तरा बदलिया जांदा है रोज उहदीआं चादरां उहदे सिरहाणे उहदे बस्तरां नूं बिस्तरे नूं रोज बदलदे ने ते हजूर कहिंदे उही बंदे देखे जिन्हां दे नौकर रोज बिस्तरा बदल से सन अज उह विचारे प्राणी लैके
अपनी कच्छ विच वक्की नाल पलाड़ी पराली ला के तुरे फिर दिन पुछिए क्यों के लोकी घर नूं दरवाजे जो हवेलियां दे बंद करनगे सौण लई थां कोई नहीं इहदी हवेली अगे पराली विछा के सौ जा। महाराज कहिंदे कदी सोचिया सी उहने वी आह कुछ मेरे नाल वापरना है। कबू खान सफेदी सवावै कबू भूम प्यार ना पावै कदी चिट्टियां चादरां सोहने मंजे ते कदी ओही बंदा जिहड़ा विचारा जमीन ते प्राणी विछा के पिया है जिउंदियां भी उस परमात्मा दी अश्चर्ज खेड़ दा कोई पता नहीं कि राजियां दे घर विच जम्मे होए भिखारियां दीआं कुलियां विच मरदे ने ते भिखारियां दे घर विच जम्मे होए शहनशाहां दे तख्त तक पहुंच जांदे। धर्म नूं कमाण वाले खिन खिन अंत हुंदा है ते कई वारी गुनाहां दीआं पंडा बन लैंदे ने। उस दी खेड अश्चर्ज के गुनाहां दीआं पंडा बनण वाले कई वारी अंतले समय नारायण चेते आउंदा है ते सारी जिंदगी दे पाप धो के चले जांदे। उस दी खेड है अश्चर्ज। पर अज जो गुरु जी ने कहा असल बचन के जिन्हां नूं सोझी नहीं आई बेपरवाह हो गए उन्हां दी नजर विच संगत गुरबाणी कीर्तन शब्द ते सेवा दी कोई कीमत नहीं। गुरमुखो कीमत ते कदर भी तां है जे बंदे दे अंदर दी लोड़ होवे। जिस बंदे दी लोड़ नहीं कई वारी बंदा उस चीज दी कीमत बिल्कुल नहीं जानता कदर नहीं जानता ते कई वारी रब सोझी इन्नी कु दिंदा है कि बेपरवाह ने बेशकीमती चीज भी कोल होवे जिन्नी जेब तक कीमत दा पता नहीं उहदे गुण दा पता नहीं बंदा उदों भी उहदी कदर नहीं जानता। कल बचन आया सी कि इकना नूं सब सोझी आई जिन्हां नूं सोझी आ गई उह सवास दी कीमत जानदे जिन्हां नूं सोझी आई उहनां ने कहा भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का इही लाओ। सोझी आ गई ना सोझी आई वालिआं ने कहा जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भजले रे मन सारन पानी अब ना भजस सोझी आ गई। भजस का भाई आवै अंत ना भजया जाई अंतले समय किवें बंदगी करेगा। सोझी वालिआं ने गुरु जी ने कहा कि जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वकेला ना सरवर ना उचलै ऐसा पंथ सकेला तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सत रंग ढोला। जिन्हां नूं सोझी आ गई मौत बिल्कुल नेड़े वे उन्हां ने अपनी रसना तो अमृत बाणी हजूर ने उपदेश देण लई कहो तां कहिंदे ने गग्गा गोबिंद गुण रवो सांस सांस जप नीत। सोझी आ गई कि कोई सवास भी व्यर्थ ना जाए। महापुरख पुरातन समय साही रूप विच कथा जदों सुनानी ते कहिंदे हुंदे सन समझान ने कि बादशाह नूं किसे ने पानी पिया सी लकड़ हारे जंगल विच ते बादशाह खुश हो गया। उन्हें कहा भी बंदा रोज लकड़ा कटदा है कितना चंगा होवे इहनूं इक कीमती बाग ही मैनूं दे दिया ना। उन्हें पानी दे बदले लकड़ा कटण वाले नूं कीमती बाग दे दिता। पर उन्हें सोचिया हुण जंगल विच भटकण दी लोड़ नहीं जदों बाड़ मिल गया हुण एक थां तो कट कट के सुका के वेची जा। वो आया उन्हें दरख्त कटने सुकाने ते वेचने उधरों पूरे दा पूरा बाग खत्म हो गया उधरों एक कंधी उत्ते रुखड़ा बन गया। अंतला समा नेड़े आउण लगा। मन ने कहा हुण की करना है कि चल आ कुहाड़ा ही वेचांगे जिहदे नाल कटिया इन्ना बाग। जदों गया कहन लगा इस कुहाड़े दे कीमत पाओ मैनूं इस दे पैसे चाहीदे ने। ते जिहदे कोल वेचण गया उहने कहा भाई कुहाड़े दी गल छड तू इहदे विच जिहड़ा लक्कड़ दा खत्था दस्ता पिआ इहदे पैसे किन्ने लैणे चाहना। उहने कहा इह लोहा ते लक्कड़ ते इस लक्कड़ दी तू कीमत पा रहे है ते लोहे दी नहीं। उन्हें कहा सच जानी तेनूं लक्कड़ दी कदर दा पता नहीं तेनूं कीमत दा पता नहीं इह जिहड़ा कुहाड़े विच तू दस्ता पाया इह कीमती चंदन दी लक्कड़ दा इहदी दस किन्ने पैसे लैणे ने तू। उन्हें पैसे दसन दी थां रो पिया। उन्हें कहा भी क्यों रोए मैं तां तेनूं सगों दस्सिया भी इस निक्के जिहे टुकड़े दी बहुत कीमती
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਸੀ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਦਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਈ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁਲੰਬ ਦੇ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਖੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਲੰਬ ਖੈ ਉਹਨੇ ਤੁਰਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਕੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਿਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘੁਲ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਏ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਿ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ ਕਾਹ ਬੇਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਮੀਤ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਗ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕੱਛ ਬੰਦ ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫਾਂਦੋ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਰਤਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਤਨ ਮਣੀ ਗੱਲ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਕੋ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਸ਼ੀ ਸੌ ਨਾ ਸੰਭ ਲੈ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਕਲਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਏ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਦ ਉਹੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਲਸ਼ੀ ਕਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਲੂਣੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੂੜਿਆਰਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਉਹ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹੇ ਕੂੜਿਆਰਾ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਸਨ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਮ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ
संसार एक दरिया है, कपटी जीव, फरेबी जीव, शान करने वाला जीव इस दे किनारे ते बैठा होया कलोला कर रहा है, विषय वासनावां विच प्रवृत्त है, उन्हूं समझ कोई नहीं। दरियावें करना बगुला बैठा केल करे, केल करिंदे खांजनू अचिंते बाज पै। हुण पहला शब्द वरत्या है बगुला, ते फिर गुरु जी ने शब्द वरत्या खांज। हंज दा वैसे अखरी अर्थ है हंस, पहला बगला फिर हंज हंस। इहदा मतलब के ओ बगला जिहदे कोल हंस वर्गे चिट्टे पंख ने, खंभ ने, सब कुछ है, पर हंस वर्गा ओहदे कोल गुण नहीं। कह लगे जिहड़ा हंस दी तरह छाल कपट बाहर दा विखावा हंस दा रखदा है, ते अंदर ओहदे कोर सी। कहिंदे केल करदे कोई खंज नूं इस बगले नूं रब वल्लों अचनचेत बाज पै गया मौत दा, ओहनूं समझ नहीं सी। सोचदा मैं कदी शायद जाणा ही नहीं। ते इत्थे पिछले दिनी वी इक बेनती कीती सी, आम तौर ते साडी जबान ते शब्द आउंदा है जदों कोई बचपन विच जवानी विच ते किसे दा कोई अत दा प्यारा जिहदी घर विच बिरादरी विच बहुत लोड़ होवे ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਦਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੂਚ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਸੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣੇ ਕਿਸੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਦੋ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਚੇਤੇ, ਪੀਣਾ ਚੇਤੇ, ਸੌਣਾ ਚੇਤੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਚੇਤੇ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਸਮ ਕਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਮਿਸਾਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਆਪਣੇ ਪਤ ਸੇਤੀ, ਕਰ ਜਾਓ ਮੌਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ,
पर गुरु जी ने जेड़ा व्याह दा गीत सी उस गीत दी तर्ज नू उस गीत नू मौत दा गीत बना दिता, पर सरलेख सोहला दिता गमी दा नहीं क्या भी गमी दा गीत सोहला एरा परमात्मा दा सोहला ते राज नू रात नू रोज सोन लग्या बाबा जी गल चेते करांदे ने भाई सिखा बस ये जरूर चेते रखी हो सकता है तेरी जिंदगी दी आखरी रात हो यही चेते करा दे ना कि संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन आसीसरिया जो होवे साइन सुमेल ते चेते करा दे घर घर एको पहुंचा सदने नित पवन सदन खारा सिमरिया नानक से देह अवन को दिन साढ़े ते भी आ रहा है बस सदन वाले नु चेते कर मौत चेते कराए हजूर गया कह लगे विसर गया है मरना जिथे मरना विसर गया उथे खसम विसार खुवारी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। सतगुरु जी नू एक प्रश्न कीता सी नूर जहान सतबीर सिंह उन्हां ने सेवे गुरदेव जी दे जीवन विच इस गल नू दर्ज कीता है। नूर जहान ने हजूर दे दीदार कीते ते उन्हें एक गल पुछी सी महाराज परमात्मा ने इतनी सुंदरता हजूर जवान बहुत सन इना कुछ तुहाडे कोल पर कदी कोई होर फुरना ख्याल नहीं आया। सतगुरु ने गंभीरता नाल शब्द कहे कि मौत ते परमात्मा चेते आवे ते दूजा चेता आउंदा ही कुछ नहीं ओ सानू चेते कराने वास्ते सानू समझा दे। गुरु जी कह रहे ने बगले दी तरह बंदा चलाकी वरदा है ते वाहिगुरु जी ने बेअंत ने हर शिकार वास्ते उन्हां पहला प्रबंध कीता होया। मच्छी बड़ी तेज है बड़ी चंचल है अत सियानी सोहनी बाबा जी ने कहा बाणी च चलाक ओ अख चमकण विच इन्नी चंचल है ओ किसे दा शिकार कर रही है जिहड़ी अख चमकण विच एक खिन विच चंचलता नाल पाणी च किते दी किते निकल जांदी है एडी वड्डी चंचल नूं पकड़न वास्ते परमात्मा ने बगला पैदा कर दिता उहदा शिकार कर रहे मच्छी किते दा कर रही है मच्छी दा शिकार बगला कर रहा है ते बगला अखां बंद करके सोचदा है कि मेरे तो वध चला कोई नहीं मैं ही शिकारी हां ते परमात्मा ने बगले नूं काबू करन वास्ते बाज पैदा कर दिता। एक दूजे दे उत्ते काल बिठाया मौत बिठाई एक दूजे नूं खिंची जा रहे ने ये परमात्मा दी खेड है। हुण कलोला ने संसार दे पदार्थ फिर देखो मौत अचनचेत आउंदी है बंदे नूं चेते भी नहीं जिथे शाम तक बैठ के नचदा टपदा पिया सी खबर मिलदी है रात इन्ना पीता मर गया सवेरे उसे घर दे विच रोना पिया हुंदा कलोला ही कीतियां हां। देखो सद्धी जी गल यही कही है भी इन्ना को रब भुल गया गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च चेते असी करिए हजूर कह रहे ने नर चाहत कछ और है की और है भई जो मन च भी नहीं सी बंदा कुछ चाहता सी परमात्मा कुछ कर दिता नर चाहत कछ और है की और है भई चितवत रहो ठगौर इस तो को देखना बगला की चितवत रहो ठगौर ओ अपने चित च ही चेते करदा रहा मैं फलाने बंदे नू किवें ठगना है कह लगे किसे नू ठगण वाले दे गल विच रब ने फंदा पा दिता चितवत रहो ठगौर नानक फांसी गल भरी दूजिया नू फंदे पाण वाला खुद फस गया। हजूर ने बाणी च बचन कीता फरमायो ने के पौड़ी मन भ्यान उद्यान नगर कर मानिया कलोला पिया करदा शहर समझ के मां प्यान उद्यान नगर कर मानिया झूठ समग्री पेक सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया मस्त हो गया बगले दी तरह पर गुरु जी कहते ने पता उदो लगा सिर लगा जम डंड तां पछतानिया बिन पूरा गुरदेव फिर शैतानिया मौत दा डंडा सिर ते वजा फिर समझ पाएगी कलोला कर दे नूं भाई रे इहूं सिर जाणो काल ज्यो मच्छी त्यो मानसा पवे अचिंता जाल अचिंचेत अचिंत ही सिर ते मौत ने जाल पा लिया। इत्थे इक असी गुरु जी दे बचना विचों देख लईए कई बारी बंदा बड़े वड्डे दावे करदा है ते सोचदा मैनूं मौत कदी आउणी भी नहीं
मैनू किसी की परवाह नहीं शब्द कहना है। सिर्फ मैं दो उदाहरण हजूर की बाणी विचों खास करके बगले बिरती नाल संबंधित। एक तो धन गुरु अर्जुन साहब जी की अपनी जीवन काल विच बीती हुई घटना और इतिहासिक तत्व भी ने जिथे उथे धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी शब्द दर्ज है। तो शब्द सानू दसद है कि जो बंदे दे चेत चेते भी नहीं परमात्मा एक खिन विच रब जी ने कुछ वरता दिता। हजूर श्री अमृतसर साहब की धरती ते आप सब नू पता है कि सुली चढ़ के आंदा हजूर जाते भी निबड़ा दी, पर उथे पिछले दिन किसी सिंह ने सवाल किया सी भई सुली चढ़ के आया उदो क्या मैं सब की छो छाट प्रभ तू ही ते आया ते हुण जदों तत्ती तवी ते बैठे उदो क्यों ना कोई खेड़ वापरे। ये शंका नहीं सी उहदे मन च ख्याल सी। फिर इत्थे बेनती करा तत्ती तवी ते बैठन वाले केवल धन गुरु अर्जुन देव जी ने, ते जो सुनी आया उदो वह भी शामिल ने जिहड़े सलाह देंदे पए ने महाराज कुछ करो। पता नहीं उन्हें साडे नाल की कर देने, जिहड़े सलाह देंदे ने वह अंदरों थोड़े जे खिले दिसदे पए ने खिमा करो, पर जो तत्ती तवी ते जांदे ने वह अडोल ने कि उन्होंने तत्ती तवी भी अंदरों तपा नहीं सकी। ताई हजूर जी ने शब्द कहे गए कि प्रथम मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दो मानक पहुंचाऊं, तृतीय मता किच करूं उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तू ही ते आया, मैं हर एक गल नूं छड़ के केवल परमात्मा नूं जपिया। ते जदों इतिहास बाबा जी कथा करदे ने लड़ीवार सुनी आउंदा है कि निर्दम गजे मारदा है मैं आ कर दियांगा, कल तक आ हो जाएगा, मेरे खुंदियां तू परवाह ना कर। गुरु अर्जुन देव जी लई बहुत ओ क्रूर शब्द वरतदा है, ओ इंज जिवें रब बन के तुरिया हुंदा है सब कुछ मेरे हाथ, पर परमात्मा हसदा है ते मौत उत्ते कूक के कहिंदी है तू कल तक गुरु अर्जुन देव नूं खत्म करना चाहना है, पर चेते रखी कलोलां करन वाले बगलिया जो कोई तेरे चित विच नहीं शाम तक परमात्मा ने तेरे नाल कुछ कर देना। चेते च नहीं सी पर जदो ओही बंदा अग दे बलते हुए भट्ठे विच डिगदा है ते सतगुरु जी बचन की करदे, ओह तुहानू सब नू शब्द चेते होणे सुलकी ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे सुली होए मुआ ना पाक। क्यों? क्योंकि उन्हूं मौत भी चेते नहीं सी, रब भी चेते नहीं सी, चेते की सी? सुली होए मुआ ना पाक, काट उठार खसम सिर काटिया, खिनमय होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। वो केवल कपट शाल मंदा ही चित भी जांदा है, वो धन गुरु अर्जुन देव जी नूं खत्म करन दीआं गल्लां सोचदा है, बगले की तरह कलोलां करदा है, ते परमात्मा ने उहदे नाल शाम तक सारी खेड वरता दित्ती, खत्म हो गया। इसे नूं गुरु जी ने श्लोक सहस्कृति विच बख्शिश कीती कि उस परमात्मा की आश्चर्य खेड का कोई पता नहीं जो चित चेते विच भी नहीं वह कुछ वापर जाता। असी पढ़ने बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिशन, उहदे कोल इन्नी ताकत है हर वह यतन कर सकता है, हर वह काम करा सकता है, खुद कर सकता है, ते वड्डे वड्डे सूरमे उहदे सामने झुकदे, पर जिस थान ते वह रहिंदा है वशई विकारी बंदा वह यह गल कहिंदा है कि जिस अस्थान ते मेरा टिकाणा है इहदे नेड़े कदी कोई जनौर कोई पंछी भी फटक नहीं सकदा। पर सच्चे पातशाह कहिंदे नहीं, ये तेरे ख्याल ने, जिदन परमात्मा ने तेनू ले जाना है भावे बाहरे बार करोड़ां बंदे खलोते होन, पहले दारां उत्ते भी पहरा देण वाले खलोते होन, अंदरों दरवाजा बंद हुंदा है ते कमरे विच्चों निकली निक्की जी कीड़ी उस सूरमे नूं डंग मार दी, बस एक कीड़ी दे डंग नाल ही उहदे प्राण निकल जांदे। उहने चेता थोड़ा कीता सी मेरे नाल कुछ वापर, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिशें
हजूर कह लगे बिखम थान बसंत उच्च नै सिमरंत मरमन कदांच होवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीती सास अकरख ते जिदन परमात्मा दी खेड़ वापरी उदन एक कीड़ी भी बंदे दे श्वास कर के लै गई। हजूर ने अज बख्शिश कीती फरमायो ने के दरियावै कन्नै बगुला बैठा केल करे संसार रूपी दरिया के किनारे कपटी बंदा बैठा विशे वासनावां विच कलोला करदा पे के करेंदे हंज नूं उस कलोला करन वाले हंस वर्गे चिट्टे जिहदे खंभ ने हंज नूं अचिंते बाज पए। अचिंते का मतलब कि बंदे दे ज़हन विच चेते भी नहीं सी मौत रूपी बाज नूं आ पिया। ते तीन शब्द खास करके अचिंत शब्द एक मौत एक अचिंत काम सौर ने ते तीसरा अचिंत परमात्मा दा मिलना। बाणी ने मन्या है कि कई बारी किसी काम नू कई सालां तो अटकदा है बंदा आस ला देंदा है ते इको दम सुनेहा मिलदा है कि तेरा रुकिया होया काम हो गया। हजूर कहिंदे जिन्हें बंदगी कीती उन्हां दे काम भी अचिंत हो जांदे। अचिंत काम करे प्रभु तिनके जिन हर का नाम प्यारा। कई बारी अरदासा करदा है बेनतियां करदा है नेम बनांदा मैं ये नेम इस करके बनाना है मैं परमात्मा नूं मिलना है ते महाराज कहिंदे काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए अचिंता अचिंचेत। ते आ तीसरी गल चेते रखिए कि अचिंते बाज पए जिन्हां दा चित चेता भी नहीं सी ओ मौत दा बाज आके पै गया ते बाज किने भेजे बाज पए ते रब दे परमात्मा दे घर विच मौत रूपी बाज आया केला विसरिया जेड़ियां इंसान नू ए कलोर सन रंग रलियां सन विशे वासनावां विच नचदा टपदा सी सारियां केला भुल गई। मौत वेले कोई भी चेते नहीं रहिंदा ते असलीयत तेरे के जदों बंदे नूं मौत सामने दिसदी होवे वैगुरु दया करे उदों दुश्मनां उत्तों वी माफियां मंगण तुर पैंदा। कई वारी बीमारी इहो जी लग जाए उह कदी किसे नूं उच्चा नहीं बोलदा। किसे महापुरख नूं इह पुछिया सी वी मैं तुहानूं किसे नूं क्रोध च नहीं बोलदिआं देखिआ तुहाडे मन च कदी विशे वासना दा फुरना नहीं आया कदी तुहाडे अंदर कोई विकार नहीं बन पिया। उन्होंने इको गल कही कह लगे पुत्र इहदा ते उत्तर कल नूं देंगा अज तू हथ चुकिया मैनू अज लगता है तेरी रेखा समझ ली ए ज्योतिष वाले पास मैं लगता है तू परसों शाम तक मर जाना। उन्हें जो क्या मर जाना है गया सी चबारे ते चढ़िया महापुरखा मिलिया ते जो उत्तर लगा उन्हें कह थोड़ा जहा रुक कोई गलबात करिए कह लगा हूं गलबात कहदी करनी परसों तो मर जाना। उन्हें शब्द एक जो गहरे कह बंदे दे अंदर तीर की तरह विढ़ गए कहिंदा सची मुची कह लगे हां तेरी तो उम्र गई परसों तक तू चले जाना चढ़दा छां मारदा गया सी ये भी रब का शुक्र करिए उन्हें मौत लुका के रखी जे बंदे नूं पहले दस दिंदा ने मरन तो पहले मंजे ते पै जाणा सी त्रैणा सी उन्हें कह तू मर जाना छाला मारदा चढ़िया सी उतरिया इस तरह जिवें सची मुची कई सालां दा बीमार हुंदा है पैर पटदा फुटदा घर गया चेहरे ते कोई खासा नहीं घर गया घर दे जी कट्ठे कर लै कहिंदा मैं परसों मर जाना। कहन लगे होया की तेनूं कहिंदा मैं जब तुहानूं दसदा ना मैनूं मौत आ जाणी परसों जिन्हां नाल लड़िया सी उन्हां तों माफियां मंगी पिया जिन्हां नूं उच्ची बोलिया उन्हां कोल गया घर दे जीआं नूं तरले लई जाए मैं तुहानूं बहुत कुछ किया होवेगा मैनूं बख्श दिया जी। कई बार बंदा किसी घर च जी कट्ठे रहिंदे होण सके भरा घर बदलदे होण ते रब तरस करे हो कि दूजे तो माफियां मंगण लग पैंदे जिन्हें दुनिया छड़ के चले जांदा उहदे नाल की बीती होवे। कह लगा मैं बहुत गलतियां कीतियां मैनूं बख्श दिया जे मंजे ते पै गया ते जिहड़ा दिन मुकरर कीता सी उह आया इन्नी देर नूं महापुरखा है घर दे जी कोल बैठे ने इह सिर्फ परमात्मा वाले पासे
कहन लगे भी सजना किवें उठ। कह लगा महाराज तुसी क्या सी मर जाने। कह लगे जे नहीं मरना उठता ये तो विधाते दे हथ खेड़े। कह लगे तुसी क्या सी। कहिंदे मैं तेरे सवाल का उत्तर देने लई कहा सी। तू पुछया सी कदी वासना कदी विकार नहीं अंदर पैदा होया। किसे नूं देख के तुसी बुरा नहीं अंदर चितविया। कह लगे ईमानदारी नाल दस जिस वेले मैं तेनूं मौत संबंधी दसिया उस तो लैके हुण तक तेरे अंदर कोई ख्याल आया। कह लगा महाराज किसी का बुरा तो की करना सी। जिन्हां दा कीता जिन्हां ने मेरा कीता मैं उन्हां तों वी माफियां मंगियां ने। कह लगे बस तेनूं हुण पता लगा भी परसों मर जाना तू माफियां मंगी जाना। सानू गुरु ने जिद्दर शब्द की सोझी दिती तेनूं तां परसों तक का टाइम। असीं मौत नूं याद करी बैठे हां ते जिथे मौत चेते आ जाए परमात्मा याद आ जाए उते फिर दूजे नूं थां कित्थे। बाबा फरीद साहब ने शोका दे के कह परमात्मा चेते बाज पैत रब दे केला विसरिया जो मन चेतना चेते सन। कोई याद भी नहीं सी कुछ वापरना है। जो मन चेतना चेते सन सो गाली रब किया परमात्मा ने ओ गल्लां कर दित्तियां जो चित ख्याल च नहीं। ताही ता एक फकीर वजीदे ने लिखे वैसे दे दोहड़े ने पंजाबी विच ओ कहिंदा परमात्मा दी आश्चर्य खे ओदे दोहड़े तकरीबन सारी रचना मैं पढ़ी ओदे सिर्फ दोक ने। ओ कहिंदा परमात्मा एवें बंदा गिनतियां मिनतियां सहबा करी जांदा कहिंदा तेरी खेड़ दा पता नहीं। कहिंदा कुत्ता भौंकदा है ते कुत्ता वढ़दा है। जिहड़ा भौंकदा ते वढ़दा ओनू लोक मलाइयां मलीदे ते दुध पांदे ने। जिस गां ते मज ने अमृत वर्गा दुध देना ओनू लोकी कख पांदे। जिन्हें दुध देना वो कख खाण ते ला दित्ती। जिन्हें भौंकना ओना नू दही मलाइयां ते दुध मिलदे ने। कह लगे जिहड़े बंदे कदी ख्याल भी नहीं हुंदा भी तरक्की करनगे ओना नू पातशाहियां दे देना। जिहड़े पातशाह कहिंदे ने ओनू जमीन ते रोल के रख देना। ओना ने शब्द लिखे ने गौवां देंदा घा मलीदा कुत्तियां जागदियां दी खो के देंदा सुत्तियां चौं कुंडी खै पानी थल सर बसर वजीदिया कौन कह साहिब नू इंज नहीं तां इंज कर किसे कह दे। उहदे विच इक दोहरा होर है। ओह कहिंदा इकना दे घर पुत पुत्तां घर पुत्रे बाग परिवार बजुर्ग दा बड़ा। इकना दे घर पुत पुत्तां घर पोतरे इकना दे घर धी धियां कर दोतरे इकना दा एक ओह भी जाए मार। कहिंदा तेरी खेड है कोई पता नहीं बंदे नूं इकना दा एक ओह भी जाए मार वजीदिया कौन कह साहिब नूं इंज नहीं तां इंज कर केड़ा कहेगा। हजूर कह रहे ने बस भाई जो असी चित ख्याल विच भी नहीं सी ओह परमात्मा ने कर दिता। हजूर ने अखीर ते कहा बाज पै तिस रब दे केला विसरियां जो मन चित ना चेते संसो गाली रब किया। थोड़ा जे मैं तां पहला मुकम्मल कीता पौ सुदी सप्तमी है। हजूर दा पुरब तुसी मनाना शुरू कर दिता है। सतगुरु बड़े दयालू ने पुरब वाले दिन रहमतां वरतांदे ने। सिर्फ संखेप जी तीन चार गल्लां पुरब मनांदियां एक धरती दूजे मापे गुरु जी दे ते तीसरे जिन्हां ने दर्शन परसे उन्हां सारियां नूं अज असीं सुरत नाल धन कह दे। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सुबह ये बेनती की पिछले तो पिछले साल इतने एक दो प्रसंग रखे सन पर टिका नहीं सी मैनूं पता। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। छे जंत पए हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखिया जाए। अज धन धन पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी हर गुरु साहब जी ते टुकेगा। धरती केड़ी पाटली पुत्र जी नूं कहिंदे सन
धरती केड़ी जिन्हों अज पटना साहब कहने ते सुबह बेनती की ऐसे शहर के बार बार आदि गुरु धन गुरु नानक साहब आके बैठे सन। इतनी हजूर ने लाल की कीमत पाने लिए कहा सी पर कदर वाले ने 100 रुपया दर्शनी भेटा दिते सी। जेड़ा नौकर अदरका लेके आया सी सुबह मैं बेनती की दौरान लगा क्योंकि पुरख की साखी इको ही रहनी है पर वाहगुरु दया करे साडा चित गुरु लिए इन्ना नहीं भावना नहीं भरिया होवे कि सानू गुरु की गल बार बार दोहराई कोई चंगी लगे। हजरत इब्राहिम का जीवन मैं पढ़िया सिर वेखे निकल लगा कहते ने कोई आदमी निकलिया उन्होंने को बकरियां चारदे सन उन्हें उच्ची सारी अल्लाह शब्द वरत्या रोक के कह लगे खलो जाओ मेरे महबूब की गल करना सुना एक बारी। कह लगे तू की करेगा कहिंदा अद्धियां अद्धियां बकरियां तेनू दे दिया अज ना मेरा गुजारा चलता सुना मेरे प्यारे की गल अद्धियां बकरियां तेनू। उन्हें फिर पुकारिया कह लगा एक बारी होर बोल कहिंदा हुण कहिंदा जिहड़ियां बाकी अद्धियां रहिंदियां ने भी दे दियांगा शब्द होई। जदों दूजी बारी क्या सारिया बकरियां देतियां कह लगा हुण तीजी बारी फिर बोल कहिंदा हुण तेरे पल्ले कुछ रह नहीं गया हुण की तू देगा कह लगे बकरियां तां दे दित्तियां बकरियां चारन वास्ते आजड़ी भी चाहिए मैं तेरा आजड़ी रह जाऊंगा मैनूं अल्लाह दी गल सुणा। जदों गुरु नूं कोई प्यार करदा है गुरु का हर एक शब्द खिल खिल चंगा लगता है। हजूर गुरु नानक साहब इत्थे गए ते अर्ज कीती सी तीन बख्शां उथे साल सराय जोरी का नौकर आया सी। गुरु ग्रंथ साहब जी बचन करते ने जिसने गुरु नानक साहब नूं सुन लिया वो भी पार जिन्हें वेख लिया वह भी पार ते जिन्हें छू लिया वह भी पार। असी पढ़ने हाँ कि गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना परिया रे। दूजा सी बचन सुबह प्रमाण सी कि जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते। सुनिया पेख्या ते परस्या अदरका हजूर दे लई सारस रहे जोरी दे कहन मुताबक जल पानी लैके आया जां प्रसाद पानी वह तो नौकर सी उहदा काम ही सी झुकना पर जदों सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਛੂਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਹੁਣ ਪਰਸ ਵੀ ਲਿਆ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਸੋਕੇ ਖਰੇ ਕੀ ਇਹ ਖਿਲਮਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾ। एक खेल च मारू थल च रौनक लग गई हरियावल आ गई तेर सुबह की जो साल सराय ने तोरिया उदो नौकर सी जो बख्शीश लैके गया सची मुची शहनशाह वाली तोर सी क्योंकि जिसन बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। उन्हें पूछा तब्दीली किवें कहिंदा जिन्ना लाल दिता इस खजाने के अंदर दे खजाने के भी मोदी और ने। सालस राय आया उन्हें हजूर दे चरणा च ही बेनती की महाराज संत जी ये मेरा नौकर जोड़ी ये ते कृपा हुई मेरे ते भी ते महाराज जी ने कहा कृपा लेना है हां कहिंदे जिन्हों नौकर कहने दे चरणा च मत्था टेक इन्हू मत्था टेक। थोड़ा जा झिझकिया आवाज आई सारी जिंदगी तू इनू चुकांदा रहें हर बंदा तेरे अगे झुकिया कोई नौकर सी ओ झुकिया कोई धन करके तेरे अगे झुकिया चेते रखी खुद झुकन दी जा सिख दरिया पानी दा भर के लगदा होवे पर झुक के जिन्नी देर तक बुक ना बनाई उन्नी देर तक बुक विच पानी ही नहीं पैंदा हुंदा। ओ झुकिया नौकर दे चरणा च सोझी होई महाराज जी ने सालस राय नूं मंजी दित्ती ते फिर इन्हें कहा महाराज मेरे घर चरण पाओ मेरी हवेली चलो करो कृपा
सच्ची सरकार ने इत शब्द कह जरा अज दिन वापरिया कह लगे एक दो दिन कुछ महीने नहीं वक्त आएगा कई साल रवांगे महाराज कदों कहने घर तेरे ही होगा दसवें जामे जाके ओदी हवेली अज तख्त साहब है ओदी हवेली सारे सी जाके चुकने हजूर चो जी प्रीतम अज उस धरती ते आए ते मैं इत्थे सिर्फ क्योंकि अज हजूर दे आगमन संबंधी इधर माता नानकी जी नूं पता है कि मेरे गुरु पति दे बचन अज फली पूत होने सच्चे पातशाह सारी रात गुरु तेग बहादुर भाई वीर सिंह लिखदे ने चौंकड़े विच रहे बंदगी साईं दी याद अमृत वेले जदों हजूर दी आमद होई पिता गुरदेव मुस्करा पए जिहड़े सिख होर सन पुछियो ने महाराज मुस्कराए ते बड़ी गंभीरता नाल मुस्करांदे होया कहा कि तां बैठे सां अज गुरु नानक साहब दा दसवां जामा आ गया अज धर्म दी तुजा नूं बुलंद करन वाले आ गए ने अज दसवां जामा आया जी आया कहा है उन्हां नूं फिर गुरमुखो देखो अज मेरे मन च सी कोई मोह है आपां गृहस्थी हाँ पांच सत साल बाद घर संतान जन्म लै बंदा फुलिया नहीं जे समांदा असलियत पर सच्चे पातशाह जी दे इस कारण तो तीन दहाके बीतन तो बाद परमात्मा ने वह पुत्र दिता जिस वर्गा कोई ना कोई पहला होया सी ना कोई उस वेले सी ते ना अगा होना है कोई नहीं पर वापस नहीं मुड़े मानवता का उधार करते पे ने वापस नहीं मुड़े कह दिता भी नाम गोविंद रखना इतों तक शब्द कहे भाई दयाल दास वह पिछे सन ते गुरु जी ने कहा कि भाई दयाल दास का कहा होया गुरु जी का कहा समझना जेडे देग विच उबाले गए भावे तस्वीर वह बनाई जाती है दाड़ा काला जवानी च पर भाई साहब बिरद सन जिन्हों देग च उबालिया गया हजूर सच्चे पातशाह पुत्र दे आगमन की भी खबर है पर वापस नहीं मुड़े भाई जदो मुड़े कोई एको जा ग्रिस्त एको जा बैराग उदो पुत्र दी आरबला पांच कु साल दे करीब ढुकदी पई सी जदो पहली वारी पिता ते पुत्र आपस मिले जिस बाग च मिले उस बाग दी मिलनी करके सुके रुख भी हरे हो वो जे बाग कायम है पटना साहिब अज सच्चे पातशाह उस पटने दी धरती नूं भाग लाया ते फिर अपनी रस्मा तो ये बचन कहे मुरपित पूर्व कीस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात तरबैणी भय पुन दान दिन करत बतै तई प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भग लयो सिर्फ एक होर बेनती करके पटना शहर विखे भग लयो इत एक बेनती जरूर करनी बड़िया निवाजिया पर जो हजूर वापस आए उस बजुर्ग माई नू जिदा नाम असल च जमनी देवी सी जमना देवी सी बजुर्ग सी हजूर पटना साहब जो छड़िया तेनू पता लगा भी बाला प्रीतम पंजाब नू जा रहे हैं बड़िया पटने साहब नू रहमता दे के आए उधर नामे तुरा ते मन च आया मना तेरे तो केड़ा तुरिया जांदा बाला प्रीतम दे जांदियां दीदार ही कर ली दियो फिर ने कहा नहीं लोड़ नहीं बंदियां दे सुनेहे दी चित दा सुरत दा सुनेहा भेज ते गुरु दे चरण पकड़ तेरे घर च चरण पा लें जांदी भाई हजूर पटना साहब तो जदों तुरे बहुत संगत नाल तुरी बिरहा वे सी उह प्रसंग पढ़न वाले ने गुरमुखां बाबा जी ने कथा आप जी नूं सुनाई ने बिरहा दे प्रसंग पर दाना पुरंदे होंदिया शाम पै गई है नजदीक ही हजूर ने संगत नूं रोक इस माता दे घर टिकाणा कीता आप बाला प्रीतम अंदर गए ते आवाज दित्ती माई मां
शब्द कहे तेरे को टिकाना करने जो कुछ ऐसा मुशका घर की सी खांडी च खिचड़ी सी मन चाहे इन्नी संगत हजूर ने कहा तू बैठ मां असी खिचड़ी वरताने बरकत पैंदी उथे गुरुद्वारा हांडी साहब है चौजी प्रीतम दिया बाकी खेडा कल दे दीवान विच आपां संखेप जै जितना कु धन गुरु कलगीधर वेद करेंगे वो विचारांगे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सारियां दी झोली नूं भाग लाण ते गुरसिखी दा कीमती हीरा जिन्हां जिन्हां नूं मनुखा देई दाता दित्ती आ सिख कहुंदे आ सी तुसी कृपा करो जीवन नहीं पर सिख शब्द दी लाज तुसी रख लिया साढ़े कोल कुछ नहीं ताई गुरु रामदास जी ने कहा सी के जन नानक नाम परयो गुरु चेला गुरु राखो लाज जन कै चेले दी लाज ही रख लो शब्द दी इनियां को बेनतियां स्वीकार करियो बेंत कुला हुईयां ने आप जी ने कृपा करके साध संगत जी बख्श देना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।